हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। ये शो आम हिंदुस्तानियों का है, हमारे जैसे और आपके जैसे आम हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तानियों के हुनर का है, उनके हुनर को सलाम करने का है और देश के छोटे छोटे शहरों, छोटी छोटी गलियों से आपके लिए उन हुनहारों को ढूंढ कर लाते हैं जिन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ आविष्कार किए हैं और वो आविष्कार विज्ञान की नज़र में बन गए हैं चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए भोपाल के एक नौजवान की करिश्माई व्हीलचेयर, एक ऐसी व्हीलचेयर जो हाथों से या रिमोट से नहीं बल्कि चलती है सांसों के इशारों से। साथ ही सीखिए दिल्ली के नौजवानों से एक ऐसी तकनीक जिससे आप अपने घर के खराब बल्ब या CFL ठीक कर सकते हैं। और शो के आखिर में देखिए जालंधर के एक होनहार ने किस तरह से गौमूत्र से बिजली बनाकर वैज्ञानिकों को भी डाला हैरत में। जिस तरह से इन फूलों की महक चारों तरफ फैलती है, उसी तरह से हिंदुस्तान के हुनर की धमक भी चारों तरफ फैल रही है। अब हम आपको मिलवाते हैं भोपाल के एक ऐसे हुनहार से जिन्हें 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। वैसे तो उन्होंने कई सारे आविष्कार किए हैं, लेकिन एक आविष्कार जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरत में हैं, वो है एक व्हीलचेयर। एक ऐसी व्हीलचेयर जिसे चलाने के लिए ना तो हाथों की ताकत की ज़रूरत है और ना ही किसी रिमोट कंट्रोल की, क्योंकि ये व्हीलचेयर चलती है सिर्फ बैठने वालों के सांसों के इशारों पर। जी हाँ, क्या है ये व्हीलचेयर और किस तरह से बनी ये इतनी खास, आइए आपको दिखाते हैं। जिनके साथ कुदरत ने बेईमानी की, उनके लिए जीने का बहुत बड़ा सहारा है ये व्हीलचेयर। हाथों से चलने वाली व्हीलचेयर, रिमोट से चलने वाली व्हीलचेयर, यहां तक कि सीढ़ियां चढ़ने वाली व्हीलचेयर भी। बाजार में इन दिनों ऐसी तमाम तकनीक मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, अगर व्हीलचेयर की सवारी करने वाला इसे कंट्रोल करने की हालत ही में ना हो, मतलब अगर वो शख्स हाथ पैर दोनों से लाचार हो, ऐसे हालात में बेसहारों का सहारा बनेगी ये बेमिसाल व्हीलचेयर। आप सोच भी नहीं सकते कि ये व्हीलचेयर किस तकनीक से चलाई जा सकती है। ध्यान से देखिए, इस व्हीलचेयर का आविष्कार करने वाले सुशांत अपने हाथ या पैर से कोई कमांड नहीं दे रहे, फिर भी ये व्हीलचेयर उन्हें मंजिल तक पहुंचा रही है। जानते हैं ये सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि ये व्हीलचेयर हाथों से नहीं बल्कि सवारी करने वालों की सांसों से चलती है। जी हाँ, सांसों से ही, क्योंकि ये व्हीलचेयर सवारी करने वाले शख्स की सांसों के इशारे को अच्छी तरह से समझती है। तो मतलब जो अपाइज लोग, उनका हाथ पैर काम नहीं करता, ना बोल पाते हैं, क्योंकि 70% जो पैरालिसिस लोग होते हैं वो लोग इवन बोल भी नहीं पाते। तो इसीलिए ये जो डिवाइस है वो उन्हीं लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको जो मतलब जो सिर्फ ब्रीदिंग से ये चीजों को ऑपरेट करने का वो एक इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। सुशांत ने इस व्हीलचेयर में 4 बल्ब लगाए हैं जो एक तरह के इंडिकेटर है। ये 4 बल्ब हर 2 सेकंड में जलते हैं, एक आगे जाने के लिए, एक पीछे, एक दाएं और दूसरा बाएं जाने के लिए। सुशांत ने व्हीलचेयर को एक ब्रीदिंग सेंसर से जोड़ा है। व्हीलचेयर की सवारी करने वाला अगर जोर से सांस छोड़ेगा तो जिस दिशा का बल्ब ऑन होगा व्हीलचेयर उसी दिशा में घूम जाएगी। अगर उसी दिशा के बल्ब पर दोबारा सांस छोड़ी जाए तो व्हीलचेयर अपने आप रुक भी जाएगी। देखिए, हमने क्या किया, ये एक्चुअली हमने ब्रीदिंग सेंसर किट डेवलप किया जिसकी कीमत 15,000 रुपए के आसपास रहेगा जो पैरालिसिस लोग लेंगे। अगर वो व्हीलचेयर एक ऑप्शन है, जैसे मूवमेंट करने के लिए व्हीलचेयर एक ऑप्शन है, वो अगर चाहेंगे तो लाइट फैन ऑपरेट कर सकते हैं, वो चाहे तो मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज, ये भी इसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं। जैसे वो आप बेड में लेटे लेटे, क्योंकि किसी को या तो जनरली किसी को कमांड तक बोल नहीं पाते तो उनको मुश्किल होता है लाइट ऑन करना है, फैन ऑन करना है, तो खुद बेड में बैठे बैठे लाइट ऑन, फैन, स्विच, सब कुछ ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये व्हीलचेयर बैटरी से ऑपरेट होगी। एक बार बैटरी फुल हो जाए तो 2 से 3 दिन तक सवारी की जा सकती है। रही बात कीमत की, तो सुशांत के मुताबिक अगर इस व्हीलचेयर को बाजार में उतारा जाए तो इसकी कीमत करीब 35,000 रुपए के आसपास होगी,
जो बाजार में मिलने वाली स्मार्ट व्हीलचेयर के मुकाबले काफी कम है। सुशांत ने इस व्हीलचेयर को बनाने का सपना स्कूली दिनों में देखा था और बरसों की मेहनत के बाद वो सपना साकार भी हो गया। सुशांत को इस आविष्कार के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिल चुका है। तो मैंने कहा कि 70 प्लस को एक पैरालिसिस आदमी, वो हल्का सा उसका हाथ मूवमेंट हो रहा था और बोल नहीं पा रहा था, 24 घंटा उसके एक नर्स उसको असिस्ट करते हुए लेके जा रही थी। तो वो सिचुएशन देखते मुझे काफी मतलब अकवर्ड लगा कि मतलब कितना मतलब पेनफुल सिचुएशन। तो मैं बस मैं रिसर्च करने में लग गया, कम से कम हिट एंड ट्रायल्स किए। बस एक चीज पर टिका था कि मुझे कुछ ऐसा चीज बनाना है जो नॉर्मल ह्यूमन बींग और डिजेबल आदमी में कॉमन हो, उसी तरीके से लेके मुझे कोई गैजेट बनाना है, तभी ये चीज सक्सेसफुल होगा। ये व्हीलचेयर उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें व्हीलचेयर पर भी हर वक्त किसी सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि अब ऐसे लोग व्हीलचेयर को अपनी सांसों के इशारे से चला सकेंगे। अगर आपके घर का CFL या बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर है बाजार जाते हैं, नया CFL या बल्ब खरीद के लाते हैं और अपना घर दोबारा रोशन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी तकनीक हो कि आपका वो CFL या बल्ब फ्यूज ही ना हो, और अगर फ्यूज हो भी जाए तो थोड़ी सी जुगत के बाद ही दोबारा ठीक हो जाए, क्या कहा, नामुमकिन? जी नहीं, मुमकिन है, और ये मुमकिन बनाया है दिल्ली के ही कुछ नौजवानों ने। आइए। हम खराब CFL और LED बल्ब रिपेयर करते हैं। यह एक कंपोनेंट लेवल रिपेयरिंग सिस्टम है, नए बल्ब जैसा टिकाऊ और सस्ता। हमारे रिपेयर्ड CFL 1 से 1.5 साल नए बल्ब जितनी रोशनी के साथ चलते हैं। प्रज्वल बल्ब नए बल्ब से 77% सस्ता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? पुराना बल्ब कैसे ठीक हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई बल्ब कभी खराब ही ना हो? आपके यही सवाल इन 5 दोस्तों के लिए एक चुनौती थे, और आखिरकार 2 साल की मेहनत के बाद इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। ये बच्चे आपकी रोज रोज की मुश्किल का इलाज सिर्फ चंद मिनटों में कर सकते हैं। मतलब एक खराब CFL को बिना तोड़े उसे खोलते हैं, उसमें अपनी बनाई एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं, और कुछ देर बाद ही वो बल्ब दोबारा जगमगाने लगता है। इस करिश्मे को अंजाम दिया है दिल्ली के नेशनल पावर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले इन 5 बच्चों ने, जिनकी तकनीक शायद देश के हर घर को हमेशा के लिए रोशन कर सकती है। इस तकनीक को इन बच्चों ने एक नाम भी दिया है, प्रज्वल। हमने जब देखा कि इतने सारे खराब बल्ब कूड़े में जा रहे हैं, एनवायरनमेंट को हमारे प्रदूषित कर रहे हैं, तब हमने सोचा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तभी हम सब ने एक अपनी टीम बनाई, एनएक्टस टीम बनाई हमने, और हमने सोचा कि इस बारे में हम कुछ करेंगे। जब हमने ये तय कर लिया कि अब हम इस CFL के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो करीब 4 महीने तक हम इस पे काम करते रहे। CFL खोलना काफ़ी कठिन रहा हमारे लिए, तो हमने एक आसान तरीका निकाला जिससे CFL खुल जाए। फिर हमने अंदर का सर्किट स्टडी करा, और करीब 4 महीने लगे हमें इस तोड़ पे पहुंचने में। वैसे इस तकनीक का मकसद सिर्फ खराब CFL को ठीक करना नहीं है, बल्कि इस तकनीक की शुरुआत एक खास मकसद से हुई थी, और वो मकसद था पर्यावरण। देश में 50 करोड़ से ज्यादा बल्ब इस्तेमाल होते हैं, जबकि देश में इस्तेमाल होने वाले CFL की गिनती तकरीबन 4 करोड़ के आसपास है। रही बात पर्यावरण की, तो एक खराब CFL को कूड़ेदान में फेंकने पर 0.04 से 0.07 मिलीग्राम मरकरी हवा में घुलता है, जो पर्यावरण के लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। ऐसे में प्रज्वल यानी इन बच्चों का नया आविष्कार न केवल आपके पैसे बचाता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करता है। हमारा CFL, प्रज्वल CFL जो नए बल्ब मार्केट में मिलते हैं, उसे 77% सस्ता है, और ये काफ़ी किफ़ायती है, और ये लगभग 1 साल से ऊपर हम इसकी वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कम से कम 2 साल तक आपको एक मार्केट बल्ब जैसे रोशनी प्रोवाइड करता है। जरा सोचिए, अगर इन बच्चों की तकनीक बाजार में आए तो क्या होगा? शायद आपको बार बार बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
हवाओं में घुलने वाली मरकरी की मात्रा भी कम हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, लोग सामान्य बल्ब मुकाबले सीएफएल का रुख करेंगे, जिससे देश में हजारों मेगावाट बिजली की बचत भी होगी। ये बच्चे भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के हर कस्बे, हर राज्य में एक सीएफएल रिपेयरिंग, एलईडी रिपेयरिंग सेंटर बने, जिससे कि वहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार की नई अपॉर्चुनिटी मिले और कोई भी सीएफएल या एलईडी बल्ब कूड़े में ना जाए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। वैसे इन बच्चों का ये प्रयोग तो बस शुरुआत है, मिशन जारी है और कोशिश एक ऐसा बल्ब इजाद करने की है जिसमें प्रज्वल की तकनीक पहले ही मौजूद हो, यानी एक ऐसा बल्ब जो एक बार घर आए तो सालों साल चले। इन बच्चों ने ये कमाल कैसे किया? खराब सीएफएल को खोलकर इन्होंने क्या तकनीक इस्तेमाल की? फिलहाल ये बच्चे अपनी तकनीक बताना नहीं चाहते। इनकी कोशिश अपनी तकनीक को पेटेंट कराना है ताकि ये तकनीक सुरक्षित हो और जल्द से जल्द बाजार में उतरे। प्रोग्राम को एक एजुकेशन कोर्स की तरह हर राज्य के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। सरकारी IITIs और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके हम सर PPP को भी इनवाइट करते हैं, पब्लिक पार्टनरशिप को आकर वो हमें आकर स्पॉन्सर करें और हमारी सहायता करें। हम चाहते हैं कि अगले 5 सालों में हम भारत के सभी राज्यों में एक संस्थान स्थापित करें। बस दुआ कीजिए कि इन बच्चों का मिशन प्रज्वल कामयाब हो और जल्द ही हमें प्रज्वल बल्ब की सौगात मिले, ताकि हम भी कह सकें शाबाश इंडिया। हमारा अगला इनोवेटर है जालंधर से, जहां पर वो बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। अपनी पढ़ाई के दौरान प्रयोगशाला में उसने एक ऐसा आविष्कार किया जिसे सुनकर किसी भी वैज्ञानिक को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दावा किया कि उसने गौमूत्र से बिजली पैदा की है और जब उसके दावों की हकीकत पर की गई तो यकीन मानिए सारे वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए। किस तरह से स्टूडेंट ने गौमूत्र से बिजली पैदा की, आइए आपको दिखाते हैं। गाय, दूध की नदियां बहाने वाली, सफेद क्रांति लाने वाली, करोड़ों किसानों की शान, पूरे हिंदुस्तान का सम्मान। गाय के दूध से लेकर गोबर गैस तक गाय से जुड़ी तमाम उपयोगिताओं के बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे होनहार से मिलाने जा रहे हैं जिसने गाय से जुड़े एक नए करिश्मे को खोज निकाला है। मिलिए जालंधर में बायोटेक्नोलॉजी के छात्र संदीप से। संदीप का दावा है कि उसने अपनी प्रयोगशाला में गोमूत्र से बिजली पैदा की है। जो लोग दूध तो ले रहे हैं काओ से या कैटल वगैरह से, तो जो उसका यूरिन है वो वेस्टेज जा रहा है। मैंने क्या किया, एक दिन यूरिन को उठाया और लैब में चला गया, उसके टेस्ट वगैरह किए, उसमें क्या आया, उसमें मैंने जो केमिकल कॉम्पोजिशन देखी मैं हैरान हो गया कि इसमें ये आयंस वगैरह हो सकते हैं, इसमें ये यूरिया वगैरह हो सकता है। संदीप ने अपने आविष्कार को समझाने के लिए प्रयोगशाला में एक छोटा सा मॉडल भी तैयार किया है, जिसमें प्लास्टिक के 2 बर्तनों में गोमूत्र के साथ वो बल्ब जलाकर दिखाते हैं। संदीप का दावा है कि तकरीबन 1 लीटर गोमूत्र से 1 वोल्ट बिजली पैदा की जा सकती है। इसकी वजह है गोमूत्र में मौजूद यूरिया। संदीप के मुताबिक उन्होंने गोमूत्र में जिंक और कॉपर की रॉड डाली, जिसके ट्रीटमेंट से हाइड्रोजन अलग हो गई। जिंक रोड को ऊपर रोड उठाई और उसमें डाल के देखी क्या हुआ। जब मैंने उसमें डाली तो उसके हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन होने के बाद मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर उठाया, मैंने वहाँ से अटैच किया, तो जहाँ मैंने, आप सोच नहीं सकते कि उसमें डिफ्लेक्शन हो रही थी। दिस इज अ वंडरफुल अचीवमेंट। संदीप ने गौशाला का एक मॉडल भी बनाया है जिसमें दिखाया गया है कि गोमूत्र को सीधे एक जगह इकट्ठा किया जाए। संदीप का दावा है कि अगर उस जगह पर उनकी तकनीक इस्तेमाल की जाए तो बिजली की बड़ी पैदावार हो सकती है। हमारे गांव की जो गौएं हैं, दूसरे पशु हैं, उनका जो यूरिन है, उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन उनकी क्या हो सकती है, और करते करते वे इस मुहिम तक पहुंच गए कि क्यों ना इसको हम यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसको एक माध्यम बना लिया। इससे पहले तक किसी वैज्ञानिक ने गोमूत्र से बिजली बनाने का दावा नहीं किया था, इसलिए संदीप का दावा वाकई चौंकाने वाला है। वैसे भी देश की करीब 65% आबादी गांव में रहती है, लेकिन गांव की करीब 45% आबादी आज भी बिजली से दूर है।
ऐसे में संदीप का ये आविष्कार देश की बहुत बड़ी परेशानी दूर कर सकता है। आप शाबाश इंडिया हफ्ते में 3 बार देख सकते हैं, शनिवार रात 8:30 बजे, रविवार सुबह 10:30 बजे और शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे। तो शाबाश इंडिया देखते रहिए, आविष्कार करते रहिए, लेकिन हाँ, अपने आविष्कारों के बारे में हमें जरूर बताइए ताकि हम उनको भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सके। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #shabashindia पर ट्वीट भी कर सकते हैं।